नमस्कार सर। शिवराज जी नमस्ते। जय हिंद सर। जय हिंद। शिवराज जी, शूटिंग में आपने बहुत लेट एंट्री की, आप इस देरी की भरपाई कैसे करते हैं? सर जब जगह जब ही सवेरा, मैंने आपसे सीखा है। अच्छा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे ये बात करते हुए, और सबसे ज्यादा अच्छा ये लग रहा है कि आपने हमारे जो असली हीरो, हमारी जो फैमिली, आपने उनको जो सम्मान दिया वो बहुत सराहनीय है सर। हम आपके सदा ऋणी रहेंगे पैरा एथलीट्स। अच्छा ये बताइए कि आपको अपनी इस पूरी यात्रा में सरकार का कोई साथ मिला कि सब खुद को ही करना पड़ा? बिल्कुल सर, एक्चुअली क्या है, जब शुरू में हमने शुरू करा गेम ही, तो बहुत महंगा गेम है शूटिंग, और खासकर मेरा जो 0.22 50 मीटर पिस्टल है वो बहुत ही ज्यादा महंगा है, और किसान फैमिली के लिए ये पूरा करना आसान नहीं है। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने जब शूटिंग में, डॉक्टर कन्नी सिंह शूटिंग रेंज में, हमारे यहाँ नई दिल्ली में शूटिंग रेंज है, तो घर से 25 किलोमीटर कंटिन्यू आना और उसका यात्रा का खर्च, और फिर जब मैंने शूटिंग में नेशनल लिया था, पहला नेशनल मेडल लिया था, और टीम इंडिया में जब मैं सिलेक्शन हुआ था तो मैंने जब भी डिसीजन ले लिया था कि मेडल मुझे नेशनल का नहीं ओलंपिक का लेना है, तो उसी समय मैंने डिसीजन ले लिया। तो अपने कोच जो थे उस समय, मेरे प्राइमरी जो कोच थे ओम प्रकाश चौधरी जी, तो मैंने उनके सामने कहा, मैंने कि सर मुझे दुनिया की सबसे बेस्ट राइट पिस्टल चाहिए और सबसे बेस्ट एम्यूनिशन चाहिए। वो कहे ट्रेनिंग में वो आप यूज करोगे, वो तो बहुत महंगा, 30 रुपये पर शॉट मिलेगा। मैंने कि सर जो भी कॉस्ट होगा मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, मैं आज से ही अपनी ओलंपिक की ट्रेनिंग करना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, तो ट्रेनिंग में अगर 10-12 रुपये का शॉट आता है एलडी का, वो इस्तेमाल कर ले, ज्यादा अच्छा है। मैंने कि नहीं, तो मैंने अपनी वाइफ को बताया, तो उन्होंने कहा नहीं, आपने डिसीजन लिया ठीक लिया, आप कीजिए तैयारी, हम पैसे की कमी नहीं आने देंगे आपको। तो नेशनल के बाद जब इंडियन टीम में मैं आया, तो मैंने उसी एम्यूनिशन से पर डे 7 से 8 हज़ार रुपये के करीब खर्चा आता था। तो मेरे इसमें कोच ने भी मेरी काफ़ी सहायता करी, मेरी फैमिली ने भी सहायता करी। कई बार ऐसा मौका आया कि हमारे पास कैश नहीं था एम्यूनिशन के लेने लेने के लिए, तो मेरी वाइफ ने अपने जो गहने, घरेलू जो गहने होते हैं हमारे, तो उन्होंने मुझे दिया, मैंने उनको मोटिव फाइनेंस में घर के तुरंत पैसे लिया और ट्रेनिंग कंटिन्यू शुरू करी। लेकिन जैसे ही मैंने एशियन गेम में मेडल जीता और आपसे 10,000 लिए, तो सबसे पहले सर मैंने शूटिंग रेंज बनाई अपनी 10 मीटर की, और फिर मैं सेकंड इवेंट में भी फिर मैंने मेडल लेना शुरू कर दिया। फिर हरियाणा सरकार से मुझे जो पैसा मिला, तो अभी लॉकडाउन के उपरांत सभी स्टेडियम रेंज बंद होगी, तो मैं चिंता में रहने लगा, ज़्यादा दुखी रहने लगा कि मेरी ट्रेनिंग बंद हो जाएगी। मैंने पता करा कि जो हमारे अदर कंट्री के जो प्लेयर है, जो हमारे फ्रेंड बन है इस समय, तो मैं उनसे पूछता था, डिस्कस करता, वो कहते हमारी सिंगराज जी कंटिन्यू प्रैक्टिस जारी है। बहन की यार आपको मैं कैसे हराऊंगा, मैं घर बैठा हूँ, आप कंटिन्यू ट्रेनिंग कर रहे हो, ऑलरेडी आप चैंपियन है। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मुझे यार कुछ ऐसा करना है कि हम अच्छी ट्रेनिंग कर सके। तो मम्मा भी वहीं बैठी थी, पापा भी वहीं बैठे थे, उन्होंने कहा आप जो चाहते हैं वो कीजिए, आप सिर्फ चिंता में मत रहिए, नहीं आपका गेम प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि ट्रेनिंग एक ऐसी जो शूटिंग है, वो आप अगर 2-3 दिन भी छोड़ देते हैं तो उसका हम पे नेगेटिव असर ज़्यादा आता है। तो फिर फैमिली ने सपोर्ट करा, तो हमने घर पे ये नई शूटिंग रेंज बनाई, हरियाणा सरकार से बहुत अच्छा मुझे इनाम मिला हुआ था पैसा, तो फैमिली ने जब परमिशन दे दी तो मैंने खर्च करने में 1% भी कंजूसी नहीं करी, और मैंने अपने पूरा जो पैसा मिला था मुझे लाखों रुपए में, और वो मैं एहसानमंद हूँ हरियाणा गवर्नमेंट का, उन्होंने समय पर मुझे दिया। और जैसे ही लॉकडाउन खुला जून में पिछले साल, मैंने एक अच्छी टीम वर्कर्स की ढूंढी, और 5 महीने की मेहनत की बदौलत हम पूरे फैमिली ने मिल गए एक 50 मीटर की शूटिंग रेंज बनाई, 10 मीटर और 50 मीटर की नई इंटरनेशनल लेवल की। अब उसके बाद समस्या आ गई कि जो 50 मीटर की सर जो रेंज है उसको हम आसानी से नहीं बना सकते, उसके लिए हमें NRI से परमिशन लेना था। तो NRI को मैंने अपना प्रोजेक्ट बताया, टॉप्स को प्रोजेक्ट बताया, उनको बहुत अच्छा लगा। हमारे जो DG साहब हैं संदीप प्रधान जी, उनका मुझे बहुत कॉपरेट हुआ सर, उन्होंने जैसे ही मैंने बताया बड़ा खुश हुए वो कि सिंगराज जी आपने इतना अच्छा कदम उठाया है। तो प्रधान जी से मैंने कहा सर मैंने रेंज तो बना ली, NRI ने भाटिया साहब ने मुझे परमिशन भी दे दी, लेकिन एम्यूनिशन नहीं है मेरे पास अब। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपके लिए घर पे उपलब्ध करा देता हूँ एम्यूनिशन। तो उन्होंने मुझे ऑर्डर जैसे ही दिया तो मुझे इस हफ्ते के अंदर ही एम्यूनिशन मिल गया। उसकी बदौलत सर ये हुआ कि जस्ट नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल टूर्नामेंट था UAE में अलेन वर्ल्ड कप के नाम से, तो हम वहाँ गोल्ड लेने में कामयाब हुए सर।
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों की सरकार की बदौलत ही सर ऐसा रहा, और अच्छे अफसरों ने हमें अच्छा मौका दिया। सिराज जी, मैं देख रहा हूँ आपकी सारी बातें देश के लोगों को तो प्रेरणा देगी, लेकिन मैं आपके परिवार को सामने देख रहा हूँ, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। आपके परिवार के सभी लोग मेरे सामने हैं और आपकी बातों से उनको भी गर्व हो रहा है, और उन्होंने कितना बड़ा, और आपकी श्रीमती जी ने किस प्रकार से आपको मोटिवेट किया, आपके साथ खड़ी रही, वो मैं अपने आप में आप बड़े भाग्यवान हैं कि आपको परिवार के इतने आशीर्वाद मिले हैं। सिराज जी, आप इस बात का उदाहरण है कि यदि समर्पण और परिश्रम हो तो कोई भी काम शुरू करने के लिए उम्र बाधा नहीं होती है। उम्र ने कभी आपको रोका नहीं, और आपने अपने 4-5 साल के पैराशूटिंग कैरियर में जो सफलताएं अर्जित की हैं उस पर पूरा देश गौरव करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप टोक्यो में जिस संकल्प को लेकर के आपने शुरू किया था ले सकते हैं, मुझे पक्का विश्वास है आप कर लेंगे। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामना है, आपके माता पिता को मेरे प्रणाम है, आपके परिवारजनों को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं।